हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम Amazon प्राइम पे रिलीज हुई एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत मोरेन यानी कि एसिडाई से होती है और एसिडाई बनने वाली सारी औरतें एक ऐसी ताकत का यूज कर सकती है जिन्हें वन पावर कहा जाता है और सभी एसिडाई 7 अजा ग्रुप में से किसी एक में बिलोंग करती है और सभी एसिडाई की ट्रेनिंग टॉर विलान के व्हाइट टावर में होती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग इन्हें अंगूठी और सॉल या हुड दिया जाता है। और मोरेन हमें बताती है कि बहुत सालों पहले द डार्क वन से लड़ते हुए सारे मर्द करप्ट हो गए थे और लाइट की तरफ से लड़ रहा चैंपियन या योद्धा मारा गया था। अब मोरेन हमें बताती है कि फिर से ड्रैगन का पुनर्जन्म होने वाला है और इससे पहले कि डार्क वन उसे खोज ले उन्हें उसको खोजना होगा। और हम देखते हैं कि अपने अंगरक्षक लैन के साथ मिलकर निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि दो आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एसिडाई रेड ग्रुप की मेंबर उनका पीछा कर रही है और जब वो लोग नहीं रुकते हैं तो पहाड़ों को तोड़कर गिरा देती है। और हम यहाँ देखते हैं कि उस आदमी में जादुई ताकत आने की वजह से वो पगला गया है और इसी वजह से उसे दूसरा आदमी दिख रहा था और वो उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास शक्ति है वो सिर्फ औरतों के लिए है। और फिर हम देखते हैं कि लियांड्री उसकी शक्तियों को छीन लेती है और हम देखते हैं कि इस नजारे को मोरेन और लैन देख रहे होते हैं और मोरेन लैन से बोलती है कि ये हमारा ड्रैगन नहीं है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि 20 साल पहले ड्रैगन के जन्म की भविष्यवाणी हुई और मोरेन उसे बताती है कि अब वो लोग दो नदियों के गाँव में जाएंगे और वो उन्हें बताती है कि वहाँ पे 4 लोग जो कि करीब 20 साल के और हो सकता है उनमें से एक हमारा ड्रैगन है। और फिर पहाड़ों के नजारों को दिखाकर एक महिलाओं के ग्रुप को दिखाया जाता है जो दो नदियों के करीब जा रही है और वहीं पे हमें कहानी के दो मेन कैरेक्टर नियानी और एग्वेन से मिलाया जाता है और हम देखते हैं कि एग्वेन की चोटी को बांधकर वहाँ पे एक रस्म निभाई जा रही है और हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि नियानी वहाँ की विदुषी यानी कि एक लीडर और वन पावर की मैजिक की ताकत रखती है। और एग्वेन का वुमेन सर्कल में स्वागत करते हुए उससे बोलती है कि नदी पे भरोसा रखो और फिर उसे नदी में धकेल देती है। और फिर हम देखते हैं कि एग्वेन नदी में बहते हुए नदी पे भरोसा करना सीख जाती है। और फिर हमें रैंड और उसके पिता से मिलवाया जाता है और फिर गांव के नजारे को दिखाने के बाद पेरिन और मैट से मिलवाया जाता है और हम देखते हैं कि मैट शराब के नशे में अपने बचे हुए पैसे भी हार जाता है। और जब उसके दोस्त उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं तो वो उसी लड़की के पास जाकर उससे बात करते हुए उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है। और हम देखते हैं कि एग्वेन के आने के बाद सभी लोग उसका जोरदार स्वागत करते हैं और फिर सभी लोग मिलकर रस्म पूरी होने की वजह से जश्न मनाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लैन वहाँ पे आ धमकता है और नाइनेवी के पूछने पे अपना परिचय देने के साथ साथ लैन मॉन्ड्रैगोरन दिस इज मोरेन मोरेन का भी परिचय देता है। और फिर हम देखते हैं कि अपने सभी टारगेट पे नजर दौड़ाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि पेरिन अपनी वाइफ लैला से मिलता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों पैसे से लोहार हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैट की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है और उसकी माँ की हालत भी कुछ ठीक नहीं है और वो अपने बहनों के साथ बहुत ही आम जिंदगी गुजार रहा है। और हम देखते हैं कि रैंड और एग्वेन एक दोस्त से ज्यादा कुछ और भी है और इधर इनका प्यार परवान चढ़ रहा होता है तो उधर मोरेन लैन के साथ टब में नहा रही होती है और लैन के कहने पे वो अपने जादू से पानी को गर्म भी करती है। और इधर हम देखते हैं कि एग्वेन रैंड को बताती है कि नाइनीव उसे अपना अप्रेंटिस बनाने वाली है या दूसरे शब्दों में कहे तो नाइनीव अपनी शिष्य या विदुषी बनाना चाहती है। और वो उसे बताती है कि नाइनीव को लगता है कि एक ना एक दिन वो भी हवाओं से बात कर सकती है और हमें यहाँ पता चलता है कि अगर वो विदुषी बन जाती है तो वो कभी भी शादी नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि रैंड इसी वजह से वहाँ से चला जाता है और हम हवाओं के सरसराहट के साथ फेट यानी कि त्रासकों के लीडर की एक झलक देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पैटर्न के आने के बाद मैट उसके पास जाकर चुराए हुए ब्रेसलेट को बेच बेल्टाइन फेस्टिवल के लिए नाव ले लेता है। और हम देखते हैं कि मोरेन और लैंड गांव में घूमते हुए ये बातें करते हैं कि ट्रोलॉग या त्रासक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि एग्वेन रैंड के पास आकर उसे ये बताती है कि वो विदुषी या विस्टम बनने का फैसला कर चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि नियानमी एक पवित्र झरने की सफाई कर रही है और वहाँ पे मोरेन आ जाती है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि नियानमी एक अनाथ है और उसे यहाँ पे एक बूढ़ी विदुषी लेकर आई थी। और जब बूढ़ी विदुषी 13 साल की हुई तो उसे पता चला कि वो हवाओं से बातें कर सकती है। और जब वो महीनों पैदल चलते हुए व्हाइट टावर तक पहुंची तो वहाँ पे मौजूद एसिडाइयों ने उसके हुनर को ना देखते हुए उसकी गरीबी को देखा और इसी वजह से उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। और इसी वजह से नियानमी बहुत ज्यादा एसिडाइयों से नफरत करती है। और हम देखते हैं कि मोरेन बहुत ही चलाकी से उससे बात करते हुए ये पता लगा लेती है कि उसकी उम्र 26 या 25 साल की है।
और इसी वजह से वो ड्रैगन नहीं हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि नियानवी और एग्वेन एक साथ मिलकर हवाओं से बात करने की कोशिश करती है। और फिर हम देखते हैं कि लैन प्रोलॉक्स या त्रासद के आतंक से रूबरू होता है। और हम देखते हैं कि जब वो तीनों बार बैठकर मैट की पैसों से मदद कर रहे होते हैं तो मोरेन छत की खिड़की से देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि रैंड और उसके पिता दिए को तैयार करके अपनी माँ के याद में अपने घर पर ही उसे जलाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैट अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन दियों को नदी के अंदर छोड़ देता है। और हम पेरियन और उसकी बीवी को भी वहाँ पे देखते हैं। और नियानवी भी अपनी बूढ़ी माँ के याद में या विदुषी की याद में दिए को जलाकर छोड़ देती है। और हम देखते हैं कि मोरेन और एग्वेन उसी जगह पर एक दूसरे को देखते हैं। और फिर सभी लोग गाँव में आकर नाच गाने के साथ फेस्टिवल का मजा लेने लगते हैं। और लैंड मोरेन को बताता है कि फेट त्रासको के साथ इस गांव पे हमला करने के लिए आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अभी भी वो लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। और तभी ट्रोलॉक्स या त्रासक गांव के लोगों पे हमला बोल देते हैं और उनके हमला करने की वजह से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। और हम देखते हैं कि नियानवी एग्वेन को बचाकर किनारे पे ले आती है और रैंड और लैला वहाँ से भागते हुए अपने घर में छुप जाते हैं। और हम देखते हैं कि फेट अपने घोड़े पे बैठकर इस नजारे को देख रहा है। और जब मैट अपने घर पे पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी बहनें अभी भी बाहर है। और फिर मैट उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि रैंड के घर पे भी ट्रोलॉक या त्रासक हमला कर देते हैं और फिर दोनों उससे भिड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब त्रासक रैंड का काम तमाम करने वाला होता है उसके पिता अपने शाही तलवार को निकालकर उससे मुकाबला करने को बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों में एक एपिक फाइट होती है और रैंड इस नजारे को देखकर हैरान होने लगता है। और जब त्रासक उसका काम तमाम करने वाला होता है रैंड उसका काम तमाम कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि रैंड के पिता बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। और इधर हम देखते हैं कि एक त्रासक नियानवी और एग्वेन पे हमला बोल देता है। और जब उनका काम तमाम होने वाला होता है मोरेन उन्हें बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि मोरेन अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उन पे हमला बोल देती है और लैन भी उसके साथ मिलकर उनका काम तमाम करने लगता है। और हम देखते हैं कि औरतों का एक समूह भी एक त्रासक को मारने में कामयाब हो जाता है। और हम देखते हैं कि पेरिन के घर में भी एक त्रासक घुस जाता है। और फिर पेरिन और उसकी बीवी दोनों मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि मैट अपनी बहनों को खोज निकालता है। और इधर हम देखते हैं कि पेरिन के घर में एक और त्रासक आ धमकता है। और हम गांव के बीचों बीच देखते हैं कि मोरेन और लैंड दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि एक त्रासक नियानवी को उठाकर एग्वेन के आंखों के सामने से घसीटते हुए लेकर चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पेरिन त्रासक को मारने में इतना गुम हो जाता है कि वो अपनी बीवी को भी मार डालता है और उसके आंखों के सामने उसकी बीवी तड़प तड़प कर मर जाती है। और इधर हम देखते हैं कि मोरेन भी त्रासक के हमले का शिकार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मोरेन अपने खंजर को निकालने के बाद और त्रासक के जश्न मनाने के बाद मोरेन अपने पावर को अनलीश करते हुए उनकी फौज पे हमला बोल देती है। और हम देखते हैं कि सारे त्रासकों का समूह एक एक करके तबाह होने लगता है। और सबका खात्मा करने के बाद वो नीचे गिर जाती है और लैंड उसे दौड़कर धुएं और पत्थरों से बचा लेता है। और हम देखते हैं जब सुबह में रैंड अपने पिता को लेकर आता है तो एग्वेन उसे बताती है कि नियानवी को त्रासक ले गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि मोरेन उसके पिता के घाव को ठीक कर देती है। और जब रैंड उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं और आपके आने के अगले दिन ही ये राक्षस भी आ गए। और वो उन्हें बताती है कि मेरा और उनका आने का रीजन एक ही है, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम चारों के लिए आए हैं। और 20 साल पहले श्वेत मीनार में एक औरत थी और वो एक ऐसी आयसडाई औरत थी जिसे आंखों का सुख नहीं मिला था और ना ही वो कुछ देख सकती थी, फिर भी वो समय के चक्र को घूमते हुए देख सकती थी। और डार्क वन या निशाचर वापस आ रहा है और वो उसे बताती है कि ड्रैगन का पुनर्जन्म हो चुका है और वो तुम में से कोई एक है। और फिर लैन मोरेन को दिखाता है कि फेड अपनी आर्मी के साथ फिर से गांव की तरफ आ रहा है और वो उन्हें समझाते हुए बोलती है कि वो लोग तुम्हारे लिए आए थे और वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो वो फिर से इस गांव पे हमला करेंगे और फिर यहां पे कोई भी या कुछ भी नहीं बचेगा और ना ही मेरे में इतनी ताकत है कि मैं उन्हें रोक सकूं और हमें जल्द से जल्द श्वेत मीनार तक पहुंचना होगा और मेरी एसिडाई बहने ही हम सबको बचा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि चारों अपने गांव और अपने फैमिली से विदा लेते हुए वहां से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि फेट के राक्षस उनको फॉलो करने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।